तो कैसे हो भाई हो? तो दोस्तों आज मैं एक इंसिडेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इंसिडेंस एक्चुअल में मेरे साथ हुआ। क्या हुआ, जब मैं वीडियो शूट करने के लिए बाहर निकला था तो कुछ लोग मतलब देख करके मुझे बोलने लगे, यार ये करते क्या हो? तो मैं उनको कैसे समझाऊँ कि ये व्लॉग होता है। तो मैं आज वीडियो के थ्रू जो है बताने वाला हूँ कि ये व्लॉग क्या होता है और व्लॉग और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है। ये मैं कुछ चीज़ें जो है कवर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं व्लॉग के बारे में। तो व्लॉग बेसिकली होता क्या है दोस्तों, कि कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस को वीडियो के थ्रू शेयर करता है किसी भी प्लेटफॉर्म में, जैसे यूट्यूब हो गया, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें अगर वीडियो के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को कोई अगर शेयर कर रहा है तो उसे हम व्लॉग कह सकते हैं। अगर आप ट्रैवल वीडियो बनाते हैं, मतलब कहीं ट्रैवल करते हैं, या फिर फूड वीडियो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो जो कर रहे हैं, जो जो खा रहे हैं, या फिर जो जो जगह पर आप घूमने जा रहे हैं, उनको क्या करते हैं बेसिकली आप रिकॉर्ड करके जो है उस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें डालते हैं। हमारे इंडिया में जो इस तरह का ढेर सारे ब्लॉगर हैं और जो इस तरह का ब्लॉग बनाता है उसे एक्चुअल में ब्लॉगर कहते हैं। लाइक फ्लाइंग बीस्ट हो गया, मुंबई का निखिल हो गया, ये बड़े बड़े महारथी हैं इन सब चीज़ों में। MSKVlogs हो गया, जेट प्रभजोत हो गया, ये लोग जो है बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं। दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो मतलब इसका कोई अंत ही नहीं, न जाने कितने ब्लॉगर हैं। दोस्तों ये तो हो गया व्लॉग के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लॉग के बारे में। दोस्तों बी फॉर बॉल यानी कि बी फॉर ब्लॉग, वो वाला बी, ब्लॉग और व्लॉग में बी और वी का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है व्लॉग के जैसा ही, मतलब इसमें क्या होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने ओपिनियन को दोस्तों आप लिख कर या फिर किसी आर्टिकल के थ्रू जो है आप अपने ऑडियंसेस को बताते हैं। लाइक आपने कोई प्लेस विजिट किया या फिर उसके बारे में कुछ बताना, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताना, जिसे दोस्तों हम लोग ब्लॉग कहते हैं। और के मत जाना वीडियो, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। एक्चुअली मैंने मोटो ब्लॉग किया था, वो भी आप देख लीजिए किस तरह का मोटो ब्लॉग बना है। और दोस्तों अभी मैं ट्रांजिशन और ये सब कुछ तो डाल नहीं सकता वीडियो में कि अच्छा लुक आ जाए या फिर कुछ, क्योंकि दोस्तों रात है, अभी कहाँ जाएंगे वीडियो शूट करने के लिए, और लाइटिंग का भी ढेर सारा प्रॉब्लम होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अभी जो फ्रेम बनाया है किस तरह से कुछ पीछे दिख नहीं जाए, बस थोड़ा सा फिर भी बैकग्राउंड जो है उतना अच्छा नहीं है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बताओ की हाल चाल है, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं फिर से निकल गया हूँ पिछले बार की तरह मोटो ब्लॉग करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा ही बनेगा, तो देखते हैं कैसा बनता है आज का ब्लॉग। एक्चुअली मैं निकला हूँ एक छोटे मोटे काम के लिए। तो काम में एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मेरा जो है रूम का एक बॉल ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से जो है लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं रात को वीडियो शूट करता था बट अब नहीं कर पाऊँगा जब तक नहीं उसे ठीक करूँगा। तो जा रहा हूँ मैं उसको पहले तो रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर वारंटी है वो। हरियाली देखो यार, चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली है भाई। और एक बात बता दूँ, ये जो मक्का का जितना भी सारा खेती की जाती है ना, वो डेंजरस भी है भाई। किस तरह से डेंजरस है, एक्चुअली किसानों के लिए तो बेनिफिट है, बट पिछले साल हमारे यहाँ ना एक मर्डर हो गया था इन्हीं मक्का के खेतों के बीच। मतलब काफ़ी डरावना लगता है यार, चारों तरफ से अगर मक्का का खेत हो, बीच से अगर रास्ता है तो कभी भी कोई अटैक कर सकता है ये सोच के। मैंने क्योंकि अभी तक राइड पे मैं गया नहीं हूँ, जब से मैं ये कैमरा खरीदा हूँ एक भी राइड मैंने नहीं किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक राइड किया जाए, शॉर्ट ही राइड हो भले, लेकिन राइड किया जाए। तो उसी के तहत मैं सोच रहा हूँ कि ग्लव्स लिया जाए, ग्लव्स और राइडिंग गियर्स। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा राइडिंग गियर्स लूँ, कौन सा ग्लव्स लूँ। और मुझे एक फ़ोन का भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एडिटिंग जो भी होता है, जितना भी सारा एडिटिंग होता है, आपने जितने भी सारे वीडियोस अब तक देखे हैं मेरे चैनल पे, लगभग ऑलमोस्ट 60 ऑलमोस्ट वीडियो डल चुके हैं। सारे एडिटिंग मैंने अपने फ़ोन से किया है, और कुछ एडिटिंग जो मैं अपने भाई के फ़ोन से करता था। तो एक्चुअली उनका फ़ोन तो भाई वो ले लिया है, मुझे एक फ़ोन का ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा फ़ोन लूँ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कवर करना पड़ेगा मुझे। और मेरे पास जो फ़ोन है प्रेजेंट टाइम पे वीवो Y55S, उसमें जो है SJKM का मतलब वीडियो जो है वो मतलब सपोर्ट ही नहीं करता भाई, मतलब चलता ही नहीं बिल्कुल। तो Note 7 Pro जो मेरा भाई के पास था उसमें चलता था, तो
अब देखते हैं कौन सा फ़ोन लेते हैं मुझे, लेकिन एक फ़ोन का बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो मतलब टेम्पो बना रखा है बिल्कुल, ऑटो भर भर के लोड के लेके चलो बिना हेलमेट का, क्या करूँ यार। और एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जितने भी सारे बाइक राइडर को देख रहे हैं, एक्चुअली जो भी बाइक ड्राइव कर रहा है उनके हेड पे आप हेलमेट नहीं देखोगे बिल्कुल भी नहीं, मतलब स्वैग भाई स्वैग, मतलब हेलमेट पहनना बुरी बात है, 80% लोगों का तो हेड पे हेलमेट है ही नहीं भाई। कैसे रहो लिया? तो भाई काम तो हो चुका है, एक काम और बाकी है, एलईडी बॉल जो है वो मैंने रिप्लेस करा लिया है। तो भाई ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो निपटा लिया है मैंने। यार आप जब भी बाइक राइड करते हो ना, जब भी चाहे वो 2 किलोमीटर के लिए हो, 5 किलोमीटर के लिए हो या लंबे राइड के लिए हो, तो यार हेलमेट ज़रूर लगा लिया करो। हमारे इधर का तो मतलब ये मतलब क्या बताएं, हेलमेट तभी पहनता है लोग जब लंबा जाता है, जैसे कि उसको 50-60 किलोमीटर जाना है लंबे दूर के लिए, तो ही जो है वो हेलमेट लगाता है।